मैम साढ़ा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होया एंड मैम इवन साढ़े स्कूल का टीचर भी अवेलेबल नहीं है एंड बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं एंड छुट्टी भी उन्होंने एक की हुई है तो उस एक दिन असी पढ़ांगे की पढ़ांगे रिवीजन करांगे की रिवीजन करांगे। सो प्लीज़ मैम हेल्प सानू की करना चाहिए है। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मैनू कमेंट देखने को मिल रहे हैं, सब स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स ने। सो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स में देख के मैं वीडियो बना के लैके आ रही हूँ सो दैन थोड़िया सारिया प्रॉब्लम्स ये वीडियो खत्म कर दे एंड अगर तुम स्टूडेंट मेरी टेक्निक्स में यूज़ करोगे एंड दैन श्योरली तुम अज ही जीरो तो हीरो बन जाओगे। सो हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो देर इज़ फ्यू डेज टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड स्टिल इट्स पॉसिबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स इफ यू ट्राई माई टेक्निक्स दैन श्योरली यू विल गेट मोर देन 95% मार्क्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर स्टूडेंट्स बी रिलैक्स एंड टेक इट ईजी। कमिस्ट्री का एग्जाम कोई इन्ना टफ लैवल का एग्जाम नहीं है जो तुम इन्ना डरते पे हो। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम की करो, कॉपी पेन लेके आओ, ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ऑन द स्टेप्स। सो ओके, अगर देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल सानू पता होना चाहिए है कि उदा एग्जाम पैटर्न की है, किन्ने चैप्टर्स ने, किस चैप्टर की वेटेज किन्नी है, राइट। सो हम देखो केमिस्ट्री का एग्जाम जोड़ा है 70 मार्क्स का होने वाला है। वो अंडर अगर आप गल करिए दैन तुहानू 16 चैप्टर्स पढ़ने पैने ने एक दिन दे विच, ठीक है। एक दिन तुहानू 16 चैप्टर पढ़ने पैने हैं एक दिन लगा लो, जां जिस दिन तुसी पेपर करके आओगे अपना प्रीवियस उहदा हाफ डे लगा सकते हो, ठीक है। सो 16 चैप्टर्स नू कवर अप करना है ओनली वन डे। तो सब तो पहला मैं इस वीडियो दे विच उन्हां स्टूडेंट्स नू गाइड करांगी जिन्होंने जे पढ़ना शुरू ही नहीं किया, जिन्हां नू केमिस्ट्री की ए भी नहीं आउंदी हैगी, ठीक है। ए कह लो सी कह लो, सी कह सकते हैं ना, केमिस्ट्री की सी भी नहीं पानी आती पई। सो हुण देखो जिहड़े स्टूडेंट्स ने अजे पास ही होना है, मतलब वो चाहते हैं कि सिर्फ सानू पास ही करा दो, होर सानू कुछ नहीं चाहिए, पास हो गए बड़ी फतेह है, ठीक है। वो स्टूडेंट पहला सुनो, उस तो बाद आप गल करांगे जिन्ना ने 90-95% तो अबव मार्क्स लेने हैं एंड जिन्होंने 95% तो अबव लेने हैं उन्होंने वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नाल नाल उन्होंने भी गाइड कर दे जाना है, ठीक है। सो ये नहीं सोचना कि पासिंग वाले नहीं या असी नहीं सुनना है, दोनों ही इक्वली चलेगी वीडियो। सो देखो जिन्होंने तो पासिंग मार्क्स लेने हैं 23। सो ये स्टूडेंट सब तो पहला तुसीं की करना है जिहड़े तुहाडे फ्री दे मार्क्स ने जिहदे लई तुहानू कुछ पढ़न की जरूरत भी नहीं है, तो सब तो पहला तुसीं चैप्टर देखोगे, देखना भी नहीं है, तुहानू फ्री दे मार्क्स मिलणगे 5th चैप्टर दे विच्चों जिहदे विच तुहानू एक कंप्रीहेंशन पुछया जाएगा, ठीक है। कंप्रीहेंशन करना तुहानू आउंदा ही है, एक पैराग्राफ दिता होएगा उहदे अंडर 5 क्वेश्चनस होणगे, फिर उन्हां दे आंसर आपां पैराग्राफ दे विच्चों ही लभ देणे ने, सिंपल सानू कुछ पढ़ के जाण दी जरूरत ही नहीं, फ्री दे मार्क्स। सो मतलब 5 नंबर तुहानू मिल गए। सो इस खुशी में स्टूडेंट वीडियो लाइक जरूर कर दो, हूँ एक लाइक तो बनता ही है। सो इस तो बाद करती लाइक वीडियो ना, हाँ चलो फिर चलते हैं। इस तो बाद की करना है हूँ देखो, अगर तुहानू पता हो मैं पहला वीडियो पाई हुई सी जिहदे विच मैं पूरा पैटर्न समझाया होया, फिर एक बार देख लो कि तुहानू पता है एक तो लेके 28 तक क्वेश्चन तुहाडे 1 मार्क्स दे होणगे, राइट। एंड इस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ 2 to 11 तक क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ 2 मार्क्स ਦੇ ਹੋਣਗੇ। आफ्टर दैट 12 to 15 3 मार्क्स एंड 16 to 17 5 मार्क्स एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹੇਗੀ, मतलब ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ, मतलब ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਆਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ, मतलब 5 मार्क्स ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ जिदे नाल तुहाडे सीधे 10 नंबर तुहानू मिल जाणगे। उहदे लई तुसीं की करना है जिहड़े तुहाडे 5 मार्क्स लई चैप्टर आणगे उह हैगे ने तुहाडे डी ब्लॉक एंड
टेंथ इज हैलो अलकी, मतलब 8th चैप्टर ते 10th चैप्टर दे विच तुहानू 5 नंबर दा क्वेश्चन आना ही आना है लॉन्ग दे विच। वैसे अगर आपां गल करिए तां इन्हां चैप्टर दी वेटेज किन्नी हैगी है, डी ब्लॉक दी 7 है एंड 10th चैप्टर हैलो अलकी दी 5 ही है। सो इत्थों तुहानू मैं 10 नंबर नहीं देने, इत्थों आपां तुहानू किन्ने नंबर देने ने, 12 नंबर देने ने इन्हां दोनों चैप्टरस दे विचों। 12 नंबर ए हो गए, 5 नंबर तुहानू पहलां दस दित्ते ने, किन्ने नंबर हो गए तुहाडे 17 नंबर हो गए। हुण मैम ये तो दसो कि 12 नंबर लई पढ़ना की है, ये तो सानू पता लग गया कि इहदे विचों 5-5 नंबर दे क्वेश्चन आने ने, पर पढ़ना की है। चलो आपां वी दस दिंदे आ, हुण देखो इहदे लई टेंशन नहीं लैनी कोई, बिल्कुल ठीक है। सारा चैप्टर पढ़ लें, मैं कहना तुहानू कि सारा चैप्टर पढ़ के जायो, नो बिल्कुल भी नहीं, असीं क्यों सारा चैप्टर पढ़ीए। देखो आपां की करना हैगा है इहदे लई, अगर तो स्टूडेंट सी, अगर तुसी न्यू स्टूडेंट हो दैन मैं तुहानू दसदा कि मैं इहदे उत्ते अलग तो वीडियोज़ बनाईआं होईआं ने, तुसी सिर्फ वो वीडियोज़ देख लैणीआं ने, उहदे विच मैं प्रॉपर दस्सिआ होया है ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਅਰਾਊਂਡ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 12 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ, 5 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ, 17 ਨੰਬਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ 17 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਚਦੇ ਨੇ, 6 ਮਾਰਕਸ, ਬਸ 6 ਮਾਰਕਸ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਪਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, 6 ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ 6 ਮੰਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ 6 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਗੈਸ 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 ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ 6 ਮਾਰਕਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 5 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 22 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਮੈਰੀਕਲ, ਨਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਅਤੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, 1 ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ 22 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਨੰਬਰ। 1 ਨੰਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ 1 ਨੰਬਰ, ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਕਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 5-6 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
याद कुछ नहीं करना, मतलब डेफिनेशन टाइप याद नहीं करना। कुछ बच्चे होंगे ने रट्टा लगा बैठ जाते हैं, वट इज़ दिस, दिस इज़ दिस, सो वो वाला काम नहीं है इस चैप्टर के। इस चैप्टर सिर्फ तुम्हें एम सी क्यू आना है, ट्रू फॉल्स आना है, ठीक है, सिर्फ एम सी क्यू ट्रू फॉल्स आना है। मतलब तुम्हें सिर्फ चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए है, पूरे चैप्टर की नॉलेज मैं तुम्हें लैनी फिर नहीं कह रही, मैं तुम्हें कह रही हूँ सिर्फ 5-6 डेफिनेशन पढ़निया ने, क्वेश्चन होंगे ने सिर्फ उही उदे ही बेस से एम सी क्यू की ट्रू फॉल्स बन जाएगा। चलो हुण देखो तुहानूं 2 नंबर होर दे दित्ते, मतलब तुहाडे 24 मार्क्स हो गए, तो पास किन्ने वाला हुंदा आ 23 वाला। देखो 1 नंबर बाद बोनस लैके आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट आई थिंक तुसीं समझ गए होगे हुण तुसीं किद्दां पढ़ना है। पूरी कैमिस्ट्री दे चैप्टर पढ़न की लोड़ ही नहीं सानूं पई। सो मज़ा आया, डेफिनेटली तुहानूं मज़ा आया होएगा, मज़ा आया दैन कमेंट करके जरूर दस्सिओ, एंड वीडियो नूं शेयर जरूर करना है सो दैट मैनू मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर मैं स्टूडेंट लई इन्ना मतलब किया है तो उन्होंने भी मेरे लिए किया है ना, उन्होंने भी वीडियो शेयर की है, शेयर करने लिए तुहाडा कोई पैसा नहीं लगेगा। तुसीं शेयर कर दोगे तो अगों पता नहीं किन्ने एक स्टूडेंट्स होणगे तुहाडे ही वर्गे, उन्हां दा भी दुख दूर हो जाएगा कि बस इन्ने चैप्टर करन दे नाल असीं पास हो जाएंगे। देखो मैं तुहानूं चैप्टर किन्ने दित्ते हुए ने, चैप्टर मैं तुहानूं सिर्फ 4 चैप्टर बोले हुए ने, सिर्फ 4 चैप्टर, 4 चैप्टर के मैं तुम्हें पूरा पढ़ने लिए नहीं दसिया, सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस। एंड हुण तुसीं की करना है, जिहड़ी मैं तुम्हें कहा सी डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाओ, वो 2 वीडियोस है, एक वीडियो होएगी डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर की, मैं इतने लिख देनी है एक बार, एक वीडियो होएगी डी एंड एफ ब्लॉक, उस तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक होएगी हाउ टू गैट 90% मार्क्स, ये वीडियो 1-2 साल पुरानी होएगी, बट डोंट वरी क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उही होंगे ने। मैंने उस वीडियो से भी कमेंट आ रहे मैम इस साल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहे ने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे इंपोर्टेंट ही होंगे ने, वह साल के वेरी नहीं करते गए। सो उस भी मैं दस्या होया कि तुम की पढ़ के जाना है, सो ये 2 वीडियोज़ देख लो, प्लस अगर तुम होर मार्क्स गेन करना चाहते हो बोनसली है ना, पर रिस्क नहीं लैना है। सो वो बेस से तुम प्लेलिस्ट के कमिस्ट्री दारिया वीडियोज़ देख सकते जे। चैप्टर वाइज मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनस MCQs, ट्रू फॉल्स बनाए हुए ने, इनफैक्ट होर सबजैक्ट के भी बने हुए ने, फिजिक्स मैथ, ठीक है, तुम वो भी देख सकते हो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बायोलॉजी के भी देख सकते हैं। एंड अगर तुम कोई फीडबैक देनी चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में भी दस सकते हो, वीडियो किहोजी लगी ये जरूर कमेंट करके दस्यो, ठीक है। सो इस तो बाद हुण अगर आप गल कर लिए कि मैम साड़ी बारी मतलब असीं तां 95% नंबर लैने ने, वह दसो सानू। चलो तो 95% मतलब 95% अबव। सो एक तां जो मैं हुण तक गल्लां कीतियां, ठीक है, पासिंग मार्क्स लई वो तुसीं भी फॉलो करनियां ने, पहली चीज़ तां ये आ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ कि हुण ये भी चीज़ हैगी आ कि अपने कोल दिन एक आ, जिहड़े तां बच्चे ने पास होना है वह तो एक दिन जिन्ना मैं काम किया सी वो तो कर लैणगे, बट तुसीं सारा कुछ पढ़ के जाना है। हुण देखो तुसीं वो एक दिन विच नहीं पढ़ना हैगा, ठीक है, एक दिन मतलब जिस दिन तुसीं अज पेपर दे के आओगे, 20 तुहाडा फस्ट पेपर हैगा है ना, 21 दी तुहानूं होलीडे आ रही है, इस तो बाद 22 नूं तुहाडा एग्जाम है। तुसीं ये नहीं करना हैगा कि हुण असी आफ्टर 20 असी पढ़ते पे गए, ठीक है, मतलब इतने इतने कहने मतलब इतने, ये नहीं है कि तुसीं कमिस्ट्री नूं इस दिन शुरू ही करते पे जो, जां आफ्टर 20 अस जो भी तुहाडे कोल हाफ डे होएगा उस दिन कुछ नवं करन दी लोड़ नहीं हैगी। तुसीं किस तरह पढ़ना है देखो, एक तो देखो अज डेट किन्नी है, जिस दिन तुम वीडियो सुनते पे जो उस दिन कोई भी डेट हो, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी डेट है, तुम की करो जिस दिन डेट आएगी 15 फरवरी तो पढ़ना शुरू कर देना है, 15, 16 and 17 इन्ह 3 दिन पढ़ो कमिस्ट्री ओनली, एंड आफ्टर दैट तुम 18, 19 अपना जो फर्स्ट एग्जाम है पंजाबी का तुम वो पढ़ लो। 15, 16, 17 ਤੁਹਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ।
तीन दिन काफ़ी है नहीं, सो इन तिना दिन तुम्हें वेस्ट नहीं करना, इन तिना दिन तुम्हें सारा कुछ कर लेना है। जो डे होएगा फिर आफ्टर 20th वाला एंड 21st वाला एंड 22 वाला भी तुहाडा दिन होएगा मॉर्निंग टाइम, तो उस दिन तुम जस्ट रिविजन करनी है एंड उन्होंने टॉपिक से ज़्यादा जोर देना है जो मैं हम थोड़ा इंपॉर्टेंट्स बोलूँगी, प्लस जो थोड़े वीक टॉपिक्स होंगे उन्होंने चंगी तरह कर लेना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक तो देखो स्टूडेंट की करना है, सब तो पहले तुम नुमेरिकल करोगे क्योंकि नुमेरिकल के मार्क्स पक्के होंगे है, पक्के कहना मतलब इधर जो थोड़ा कोई एक भी नंबर इधर उधर नहीं हो सकता अगर तुम इसकी प्रैक्टिस चंगी तरह की हुई है। ठीक है, फोर चैप्टर है, फोर चैप्टर नुमेरिकल कर लेने ने। ओके, फोर चैप्टर नुमेरिकल हो गए। हूँ देखो सारे चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ने की लोड़ नहीं होंगी, इस बार लोड़ हैगी तुम। ठीक है, हाँ देखो स्टूडेंट तुसी की करना है, तुहानू सारे चैप्टर्स दी थ्योरी याद करने की लोड़ नहीं हैगी। ठीक है, सारे चैप्टर थ्योरी करने की जरूरत है ही नहीं सानू। हूँ देखो जो फोर चैप्टर है उसकी सिर्फ तुहानू नुमेरिकल्स आने नहीं, सिर्फ नुमेरिकल की थ्योरी नहीं आनी हैगी, जस्ट तुहानू उपरों उपरों नॉलेज होनी चाहिए है कि कदों ये वाली गल कही होएगी तो असीं ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कदों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जस्ट दैट। सब तो पहले तुम्हें की करना है, तुम नुमेरिकल्स कर लेने ने सारे चैप्टर्स के, क्योंकि नुमेरिकल्स के नंबर फाइनल होंगे ने, मतलब तुहाडा कोई भी नंबर नहीं कटिया जा सकता अगर तुम नुमेरिकल नू सही सॉल्व किया होया। सो तुहाडे नुमेरिकल हो गए फोर चैप्टर के, फोर चैप्टर के ही नुमेरिकल ने, होर चैप्टर के नुमेरिकल है ही नहीं। ओके, सो इतों तुहाडे नंबर फाइनल हो जाएंगे एंड ये भी ज़्यादा नुमेरिकल्स नहीं करन की लोड़ हैगी, मतलब हर टाइप के नुमेरिकल करन की लोड़ नहीं है। ये उत्ते भी तो मेरिया वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो सब कुछ मिल जाएगा, वो देख लेना। इस तो इलावा भी कोई वीडियो की जरूरत होएगी दैन कमेंट कर देना। सो नैक्सट देखिए आप, फिर इस तो बाद आइए थ्यूरी वाल। ठीक है, साढ़े नुमेरिकल्स हो गई कि ऑरगैनिक वाल चलते हैं, चलो ऑरगैनिक वाल चलते हैं। फिफ्थ चैप्टर साढ़ा हो गया सी एंड सिक्स सैवंथ, हम देखो चैप्टर नंबर 10th से आ जाओ। 10th चैप्टर की गल आप कर चुके हैं की करना है तुसी, राइट। 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, हुण इहदे विच भी देखो 13th चैप्टर की थ्यूरी नहीं आनी, 13th चैप्टर की थ्यूरी करन की जरूरत नहीं है। हाँ देखो स्टूडेंट तुहानू भी इन्नी रिलैक्सेशन हैगी आ, तुसी अगर 95% लैने का मतलब ये नहीं कि सारे चैप्टर थ्यूरी दगड़ दगड़ करनी शुरू कर दी हैगी है ना, वो आप सारे चैप्टर थ्यूरी नहीं पढ़नी हैगी, तुहानू भी मैं थोड़ी रिलैक्सेशन देनी हैगी है जिहदे नाल तुसी 95% तो अबव लै सको। हुण सारे चैप्टर की थ्यूरी उन्होंने पूछनी नहीं हैगी, तां ही मैं कहिंदी आ एक बार अपना पैटर्न जरूर देखना आ कि पूछना की आ उन्होंने, एक नंबर के किन्ने क्वेश्चन ने, दो के किन्ने ने, तीन के किन्ने ने, चार के, पाँच के किन्ने ने। ठीक है, सो हम देखो थ्यूरी वाले चैप्टर जो जिन्हों की थ्यूरी तुम्हें करनी नहीं है वो देखो, एक तो ताड़ा हो गया फोर चैप्टर, फोर चैप्टर की थ्यूरी नहीं करनी क्योंकि देखो ये सिर्फ तुम्हें नुमेरिकल ही आने ने, एन मीनस नुमेरिकल। इस तो बाद फिफ्थ चैप्टर नहीं करके जाना, ठीक है, लिखते जाओ। आफ्टर दैट तुम 14 चैप्टर की थ्यूरी नहीं पढ़नी हैगी, 16 चैप्टर की थ्यूरी नहीं पढ़नी, 13 चैप्टर की मतलब किन्ने चैप्टर हो गए ताडे 16, 14, 13, आफ्टर दैट फिफ्थ एंड फोर्थ, मतलब ताडे 5 चैप्टर तो डिलीट हो गए। डिलीट कहने का मतलब है इन्हां दी थ्यूरी तुसीं इन्नी डिटेल विच पढ़ के नहीं जानी, पढ़नी तो जरूर है बिकॉज इहदे बेसिस ते ताडे नुमेरिकल भी होएगा प्लस तुहाडा MCQ ट्रू फॉल्स भी होएगा अगर तुहानू थ्यूरी बारे नॉलेज है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिदा बच्चे रट्टा लगाते हैं कि वट इज़ दिस दिस इज़ दिस, जो मैं पहला भी कहा कि उदा नहीं पढ़ना, जिस थ्यूरी इस बेस से पढ़ के जाना है कि हाँ इस लाइन तो ये MCQ बन सकता है। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ के जाना है, इतों MCQ इतों ट्रू फॉल्स बन सकता है, बस तुहानू नॉलेज अंडरसटैंडिंग होनी चाहिए है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਚਦੇ ਨੇ? 10। ਜਸਟ ਵੇਟ, ਹੁਣ 10 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਫਸਟ ਟੂ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਾਡਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 6th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਟੋਪਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ। 7th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 8th ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 9th ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। 10th ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 10th, 11th, 12th, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 13, ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 3 ਚੈਪਟਰ ਬਚਦੇ ਨੇ, 10th, 11th ਅਤੇ 12th। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ 90%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿ 16 ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 10 ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਨੇ। 16 ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ 10 ਚੈਪਟਰ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਖਾਜਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 95% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ 90% ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ 95%। ਸੋ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 14, 15, 16। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ MCQ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਪਾਓ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਨਾਓ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਯੂਰ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ।